सो हेलो जी, नमस्ते। मैं हूँ प्रशांत और आज हमारा डे 5 का स्टार्ट हो चुका है ट्रिप का। डे 4 में आपने देखा कि काठमांडू वैली के अंदर हमने जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स थे और जो घूम सकते थे हमने वहाँ पे घूमा। डे 5 जो काठमांडू के आउटस्कर्ट्स में जबरदस्त जगह ना, आज हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। तो उसका पहला शुरुआत होता है भक्तापुर दरबार स्क्वायर से। वहाँ पे जाएंगे, फिर आपको वहाँ के बारे में बताएंगे। तो चलो, हाय। सो इधर हमारे नए नेपाली दोस्त लोग, बच्चे लोग, सब बदमाश बच्चे लोग हैं। सबने हमारी बाइक हिमालयन तो हमने चलाया। कैसा लगा? बहुत बेस्ट। ओके, तो अभी हम लोग निकलते हैं, हम लोग यहाँ से जाते हैं। बाय। थैंक यू। भक्तापुर काठमांडू से अप्रॉक्स 16 किलोमीटर की दूरी पे है और मोटरसाइकिल ट्रिप की ये एक खास बात होती है कि हमें कहीं भी जाने के लिए बस एक मैप की जरूरत होती है, कैब, बस, इन सब चीजों की नहीं। ये बड़ा गजब चीज है भाई। तो तो भक्तापुर हम पहुंच चुके हैं और यार पहुंचते ही देखो पूरा ना हर चीज़ बदल गया। जैसे कि रोड देखो, ये पूरा ब्रिक्स है। तो लगभग आधे घंटे की राइड के बाद हम पहुंच चुके हैं भक्तापुर दरबार स्क्वायर और यहाँ पे ना जो पूरा माहौल है बहुत ही ज़बरदस्त। पुराने कल्चर को, पुराना मतलब कि ओल्ड सिविलाइजेशन में जैसे हम लोगों ने एंट्री कर लिया हो, वैसा कुछ लग रहा है। यहाँ के रोड से, पूरा रोड ब्रिक से बनाया गया है। भक्तापुर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, द प्लेस ऑफ डिवोटी मीन्स भक्तों का शहर। और इसके आर्किटेक्चर को देखकर इसे नेपाल का रोम भी बोला जाता है। ये शहर माला डायनेस्टी के फर्स्ट हाफ में नेपाल की राजधानी भी थी। एंड ये सब जो आज आप देख रहे हो वो बस एक छोटा सा हिस्सा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर का उस टाइम के हिसाब से। ₹150 देगा। 150 उठ आएगा, ये करने नहीं आएगा। लेकिन मेरे पास सिर्फ ₹150 देगा। ₹150 देगा। तो भैया हम लोग भक्तापुर के गलियों में घूम रहे हैं। भक्तापुर के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। ये ना 18 सेंचुरी से पहले नेपाल का कैपिटल था। यूनेस्को ने इसे 1979 से ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे रखा है। भक्तापुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ नेपाल। एंड ये जगह पोटरी एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए भी जाना जाता है। भक्तापुर ना अपने कल्चरल हेरिटेज, आर्ट के लिए तो फेमस है ही, और फेमस है ये दही के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे आए तो एक कटोरा दही तो ट्राई किया ही जा सकता है। एंड भक्तापुर से निकलने से पहले अब बारी थी यहाँ के एक म्यूजियम में जाने का। जैसा कि इस जगह को सिटी ऑफ डिवोटी बोला जाता है, तो इस म्यूजियम में भी हमें अपने सारे पुराने ग्रंथों के बारे में पता चला। कहीं कृष्ण लीला के बारे में, तो कहीं विष्णु के सारे अवतार के बारे में, कहीं दुर्गा के बारे में, तो कहीं गणेश के बारे में। तो देखो म्यूजियम घूमते घूमते ना हमें एक बहुत ही बेहतरीन कलाकारी का नमूना मिला यहाँ पे। अब एज अ सिविल इंजीनियर हम लोगों को ये चीज़ ऑप्ट भी करना चाहिए कि अभी देखो ये जो ना पूरा जो बिल्डिंग है वो खंडर में तब्दील हो गया। यहाँ पूरा क्रैक था, उसको किसी भाई ने यहाँ बचा के रखा हुआ है। यहाँ पे डक्ट टेप और सेलो टेप से साट दिया हुआ है। भाई थैंक यू, जिसने भी किया बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बच्चे देख पीछे दिखा दो, यहीं गिर जाते हैं अभी हम लोग। तो भक्तापुर से हम निकल चुके, भक्तापुर को घूमा, भक्तापुर के दरबार स्क्वायर को देखा और भक्तापुर के बारे में जाना, थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा कल्चर, थोड़ा आर्ट, तीनों चीज़ से मिला हुआ है। तो भक्तापुर से हम लोग निकल गए, अभी हम जा रहे हैं नागरकोट की तरफ। हम सब ने बताया कि अगर आउटस्कर्ट्स घूमने हैं काठमांडू के तो नागरकोट तो ज़रूर जाना, क्योंकि नागरकोट से व्यू बड़ा तगड़ा आता है। वैसे तो हमें पता था कि ऑल्दो हम पोखरा जा रहे तो व्यू वहाँ पर वैसे भी मिल जाएगा, यहाँ आ गए हैं तो नागरकोट तो जाना बनता है, तो भाई क्यों ना। और देखो रोड कैसा है, वो देखो। और इधर ना ये छोटे वाले ट्रैक्टर बहुत चलते हैं। एक्चुअली नागरकोट है ना, वो और भी ऊंचाई पे बसा हुआ एक जगह है जहाँ से व्यू बहुत बढ़िया आता है। इसके वजह से लोग काठमांडू से भी नागरकोट जाते हैं बस माउंटेन रेंजेस के व्यू लेने के लिए। सो आई थिंक सो कि वो जो ऊपर में आपको छोटा छोटा सा घर दिख रहा है ना, उधर ही कहीं पे होगा वो नागरकोट। तो अभी जा रहे, बड़ा ही मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि फुल लोकल वाला वाइब, लोकल वाला इन्जॉयमेंट जी रहे हैं। पहला दिन जो कलम ने घुमा वो तो सारा टूरिस्ट वाला प्लेसेस था, लेकिन मुझे पता है कि लोकल बाइकर जो संडे राइड को आते होंगे वो इधर ही आते होंगे। तो आज हम लोग लोकल वाला लाइफ जी रहे हैं। ब्लैक आइस। सो भाई देखो हमें बर्फ़ दिखना स्टार्ट हो गया, ये देखो हाइट पे है। और यहाँ पे हमेशा छाँव ही होता होगा, मतलब सूर्य किधर से भी किधर चला जाए वहाँ पे नहीं होता होगा, इसकी वजह से वहाँ पे बर्फ़ जम गई है। पूरा डेंस फॉरेस्ट है और इसके वजह से ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा। अब जैसा कि इधर देखो पूरा में वाइट 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 जो भी दिख रहा है ना आपको, वो पाला, अगर हम लोग इन हिंदी बात करें तो हम लोग पाला बोलते हैं उसको, तो पाला गिरा हुआ है। बट उस जगह पे रोड काफ़ी स्लीपरी होता है। सो आई थिंक दिस इज़ द प्लेस जहाँ में बाइक वाइक लगानी होंगी, ट्रैक करके ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो बाइक वाइक लगाते हैं इधर। नागरकोट स्पेशली अपने हिमालयाज़ के व्यूज़ के लिए जाना जाता है। यहाँ से नॉर्थ ईस्ट की ओर माउंट एवरेस्ट भी बिल्कुल साफ दिखता है। तो आज का हमारा जो दूसरा लोकेशन था वो था ये नागरकोट। यहाँ से सच में क्या ब्यूटीफुल रेंजेस दिखते हैं, जो भी पीछे में हमारे रेंजेस। अगर यहाँ पे कोई होता ना जो एक्सप्लेन कर पाता कि कौन सा पीक क्या है तो वो और ज़बरदस्त होता, हमें जानकारी भी मिल जाती है उसके लिए। लेकिन चलो कोई नहीं, खूबसूरती को यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और इतना हाइट पाके जो थोड़ी थोड़ी धूप लग रही ना, वो और मज़ा आ रहा है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा हम निकलने में यहाँ से लेट कर गए, लेकिन अब यहाँ से निकलते हैं और फिर डायरेक्टली अब काठमांडू में ही रुकते हैं। काठमांडू पहुंचते ही सीधे जा पहुंचे DJI के स्टोर पे। वो क्यों? क्योंकि हमें पता चला कि यहाँ ड्रोन है सस्ता और 1000-2000 नहीं बल्कि इंडिया से लगभग 50% कम। सो हमने सोचा इससे और अच्छा मौका क्या होगा ड्रोन लेने का। तो फाइनली तो अपने YouTube के गैजेट में एक उड़न खटोला भी जुड़ चुके हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक फन वेरी सीरियसली।